ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन के खेल बड़े विचित्र और अनोखे हुआ करते थे। बचपन में गुरु जी टोलियां बनाकर लड़ाई का अभ्यास किया करते थे। सारे शहर में उनकी बाल सेना बहुत मशहूर थी। गुरु जी खिलौनों की बजाय तीर कमान जैसे शस्त्रों से खेला करते थे। उनकी निशानेबाजी दूर दूर तक मशहूर थी। गुरु जी के तीरंदाजी के करतब देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तीरंदाजी के अलावा गुरु जी को गुलेल से निशाने लगाने का भी बहुत शौक था। जिस हवेली में गुरु जी रहते थे उसी हवेली में एक कुआं था। उस कुएं का पानी बहुत ही मीठा और स्वच्छ था। मोहल्ले की औरतें उस कुएं से पानी भरने आया करती थी। जब भी वो औरतें कुएं से पानी भरकर अपने घर की ओर जाने लगती थी, तभी गुरुजी अपनी गुलेल से उनके घड़ों का निशाना बनाकर उन्हें तोड़ दिया करते थे। सभी औरतें माता गुजरी जी को गुरुजी की शरारत पर शिकायत किया करती थी। जिस पर माता गुजरी जी उन सबको दिलासा देकर घड़े के मोल से भी ज्यादा पैसे दिया करती थी। घड़े की कीमत से भी ज्यादा पैसे मिलने पर वो औरतें खुश हो जाती थी। गुरुजी हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के साथ ही ऐसी शरारत किया करते थे। वो बार बार ऐसा क्यों करते थे, इस बात को माता गुजरी जी भी समझ नहीं पा रही थी। इसी तरह की एक और घटना है। गुरुजी के घर के पास एक विधवा बूढ़ी माई रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो चरखा कातकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। गुरुजी उस बूढ़ी माई के घर में जाकर उसकी सारी चरखियां बिखेर देते थे, जिससे वो गरीब बूढ़ी माई बहुत दुखी हो जाती थी और गुरुजी की शिकायत माता गुजरी जी को किया करती थी। माता गुजरी जी उस बूढ़ी माई को भी उसकी चरखियों के दाम से भी ज्यादा पैसे दे दिया करती थी, जिससे वो बूढ़ी माई भी खुश हो जाती थी। एक दिन शिकायतों से तंग आकर माता गुजरी जी ने बालक गोविंद से पूछा कि वो ऐसा बार बार क्यों करते हैं। तो बालक गोविंद हंसकर बोले कि मैं ये सब इसलिए करता हूं ताकि गरीबों का भला हो और उन्हें ज्यादा पैसे मिले, जिससे उनकी गरीबी आसानी से कट सके।
गुरुजी जब भी अपने विचित्र और अनोखे खेल से किसी के साथ शरारत किया करते थे, तो दरअसल उस शरारत के पीछे उस मनुष्य की भलाई ही छुपी होती थी। इसी तरह का गुरुजी का एक और विचित्र किस्सा है। गंगा नदी किनारे एक कोढ़ी रहता था। वो कभी भी स्नान नहीं करता था। एक दिन जब गुरुजी अपने मित्रों के साथ गंगा किनारे खेल रहे थे, उन्होंने उस कोढ़ी को गंगा में धक्का दे दिया। वो कोढ़ी घबराकर चिल्लाने लगा। परंतु जैसे ही वो कोड़ी नदी से बाहर आया, तो उसके शरीर से कोड़ दूर हो चुका था। अब वो बिल्कुल स्वस्थ था। कोड़ी अपने स्वस्थ शरीर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और गुरुजी के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा। और जिंदगी भर के लिए गुरुजी का अनुयायी हो गया। ऐसे थे बचपन के बालक गोविंद, जो बड़े होकर इस युग के एक महान नायक बने, साहिब कमाल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।